आप लोग अपने थोड़े से पैसे के लिए किसी गरीब का, किसी मिडिल क्लास फैमिली का आप लोग पैसा बर्बाद कर देते हो। लेकिन अगर ये लोग नहीं सुधरे ना, मैं यूट्यूबर का नाम लेना स्टार्ट कर दूंगा अपनी वीडियो के अंदर कि कौन कौन से यूट्यूबर हैं जो पेड प्रमोशन करते हैं, कौन कौन से यूट्यूबर हैं जो पैसा लेके वीडियो बनाते हैं और गलत इन्फॉर्मेशन देते हैं। और कहां गलत इन्फॉर्मेशन दिया ना, वो प्रूफ करूंगा उनकी वीडियो में जाके, उनकी वीडियो चला के क्लिप दिखाऊंगा कि ये वीडियो यहां की नहीं है और इसने यहां की दिखाया है। मेरा जो वीडियो नंबर होता है ना, वो उनके लिए डालता हूं जो विजिट करना चाहते हैं, ये नहीं कि प्राइस पूछने के लिए। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं संजीत सिंह राठौर, फिर से एक नई ब्लॉग में आप सभी का स्वागत करता हूं। वीडियो स्टार्ट होने से पहले मैं एक चीज़ कंफर्म कर देता हूं कि अगर आपको मेरी यूट्यूब पे वीडियो मिले या फेसबुक पे वीडियो मिले, इंस्टाग्राम पे वीडियो मिले, कहीं भी वीडियो मिले ना, तो एंड तक जरूर देख लेना। लास्ट तक देखने के बाद ही आप मुझसे इंक्वायरी करना। स्टार्टिंग में होता क्या है कि बस आप लोग ना नंबर देखते हो कि डिस्क्रिप्शन में नंबर मिल जाए या वीडियो में कहीं भी नंबर मिल जाए, सीधे कॉल कर लेना आप लोगों को ईजी होता है। ये नहीं होता कि यार 5-7 मिनट की वीडियो देख के इन्फॉर्मेशन ले ले, उसके बाद आपको लगता है कि कॉल करना जरूरी है तो कॉल कीजिए। हमारे पास मेरी पूरा दिन, मेरी पूरी टीम बिजी रहती है आप लोगों का कॉल अटेंड कर करके, और सवाल वही होता है जो हम लोग वीडियो में जवाब दे चुके होते हैं। सबसे पहला कस्टमर का सवाल क्या रहेगा, सर लोकेशन क्या है, जो हर एक वीडियो के अंदर मेरी लोकेशन में बताता हूँ प्रॉपर्टी का, कि लोकेशन कहाँ है। सर प्राइस क्या है, जो हर एक वीडियो के अंदर आपको प्राइस भी बताता हूँ, वो चीज़ फिर से सवाल करेंगे। पेमेंट प्लान पूछेंगे जो कि वीडियो के अंदर होता है, टाइम कितना मिलेगा वो चीज़ पूछेंगे। अगर मैं फ्लैट की वीडियो दिखाऊंगा तो प्लॉट की इंक्वायरी करेंगे, प्लॉट की इंक्वायरी जब वीडियो दिखाऊंगा तो फ्लैट की इंक्वायरी करेंगे। यार कॉमन सेंस होती है। यूट्यूब के ऊपर मेरे जैसे बहुत सारे वीडियोज़ पड़े हैं, कृपया करके आप उनकी वीडियो देखें, उनसे उनके साथ जाकर टाइम पास करें। मेरा वीडियो सिर्फ उनके लिए होता है जो सच में प्रॉपर्टी परचेज करते हैं, करना चाहते हैं, और जो सच में एक जेन्युइन बायर हैं, जो एक रियल में सच में प्रॉपर्टी लेना चाहते हैं। यार टाइम पास वाले जो लोग होते हैं, मैं बार बार बोलता था यार यूट्यूब पे बहुत ऐसे चैनल हैं जहाँ पे आप डांस की वीडियो देख सकते हो, प्रैंक चलता है, उल्टे सीधे गंदी वाली वीडियो डले हुए, जाके वो देखो यार, टाइम पास करो। वो वीडियो आप लोग को मिलेगा कहाँ पे, कहीं पे देखना है, अगर थंबनेल पे डबल कोई डबल मीनिंग वाली बात लिखी होती ना, उसको लोग तुरंत क्लिक करके पूरा देखेंगे, पूरा क्या एक नहीं दो बार देखेंगे, 4 बार देखेंगे, 10 बार उस वीडियो को देखेंगे। लेकिन मेरी ही नहीं, किसी की भी अगर फायदे वाली चीज़ अगर आप YouTube पे आती है, कुछ एजुकेशन हो, कुछ इन्फॉर्मेशन की हो ना, लोग उसको देखना नहीं चाहते। अरे ये तो ऐसे ही कर देगा, सीधे नंबर देख के हाँ कब करते, फोन करके पूछ लेते भैया। मेरा जो वीडियो नंबर होता है ना, वो उनके लिए डालता हूँ जो विजिट करना चाहते हैं, ये नहीं कि प्राइस पूछने के लिए। भाई मेरा हर एक वीडियो के अंदर प्राइस होता है, हर एक वीडियो के अंदर मेरा पेमेंट प्लान होता है, हर एक वीडियो के अंदर मैं लोकेशन दिखाता हूँ, सब कुछ समझा देता हूँ। उसके बाद भी लोग फोन करके कहेंगे कि सर वो आपकी प्रॉपर्टी कहाँ पे थी, हमने पूछा जी वीडियो देखा आपने, तो नहीं भैया मैं सीधे बताऊँ, मैं कॉल वहीं काट देता हूँ मैं। जहाँ अगर किसी कस्टमर ने मुझसे बोला कि मैंने आपकी वीडियो नहीं देखी, सिर्फ नंबर लेके कॉल किया है, मैं वहीं पे कॉल डिस्कनेक्ट कर देता हूँ। भैया एक वीडियो बनाने में बहुत मेहनत होता है, आप लोगों से सिर्फ 10 मिनट की वीडियो नहीं देखी जाती ना। कभी जिसको लगता हो कि वीडियो बनाना ईजी है, मेरे साथ आना, फिर मैं आपको दिखाऊंगा कि मैं बाकियों का मुझे नहीं पता, औरों की तरह नहीं करता कि मोबाइल उठाया, शूट किया और सीधे अपलोड कर दिया। मेरा हिसाब किताब अलग होता है भाई साहब, जो शूट करने में जो हम लोग गैजेट यूज़ करते हैं, जो कैमरा यूज़ करते हैं, जो ड्रोन यूज़ करते हैं, फ्री में नहीं आता, बहुत पैसे खर्च करने पड़ते हैं उसके लिए। फिर उससे शूट करना, उसको एडिट करना, कई कई घंटे लगते हैं एडिटिंग के अंदर। जो वीडियो शूट करता है, जो एडिटिंग करता है ना, उनको पता होता है कि कितने टाइम लगते हैं एडिटिंग करने में, फिर उसको अपलोड करना। आप लोगों से 10 मिनट की वीडियो नहीं देखी जाती। तो भैया जिसके पास टाइम है, अगर आप लोगों के पास टाइम है मेरे से प्रॉपर्टी लेने के लिए, तभी आप मेरी वीडियो देखा करें, अदरवाइज आप किसी और की वीडियो देख लेना, ठीक है। तो ये थी पहली ही जो मेरी बात थी। दूसरी बात ये है कि कॉल करने का टाइम, मैं हर एक वीडियो में बोलता हूँ यार, कॉल करने का टाइम सुबह 10 बजे से लेकर शाम को 6-6:30 बजे तक का होता है। लेकिन रात को अगर 11 बजे लोग वीडियो देखेंगे ना, तो उसी टाइम फोन कर देंगे, सर ये प्रॉपर्टी कहाँ पे है। कॉल करने का टाइम आप देखा करो कम से कम, कि भैया किस टाइम फोन कर रहा हूँ, कौन सा। हर एक आदमी का एक ऑफिशियल टाइम होता है, 10 बजे से लेकर 6 बजे का जो टाइम होता है, ये ऑफिशियल टाइम होता है। आप बताओ अगर आप ऑफिस से घर जा रहे हो, रात को आपका बॉस अगर फोन कर दे कि ये काम है, आपका ऐसा कितना बुरा लगता है। तो टाइम जो होता है, उस टाइम के हिसाब से आप कॉल करें और वीडियो पूरा लास्ट तक देखें। हमारे पास बहुत सारी प्रॉपर्टीज होती है भाई साहब, पूरे दिन कॉल आता है। अगर जिसको लगता है ना कि बंदा बात नहीं करता, बंदा फोन नहीं उठाता, भैया एक दिन साथ में आके मेरे बैठ जाना, एक दिन के लिए तुम मेरा फोन ले लेना, या मेरे किसी ऑफिस स्टाफ का एक दिन फोन लेके आप रख लेना, परेशान हो जाओगे आप लोग, कहोगे यार कितने फोन आते हैं। और सब बताओ, कोई भी काम का ढंग का फोन नहीं होता, सिर्फ वही चीज़। सर लोके आपकी वीडियो देखी थी, लोकेशन क्या है, प्राइस क्या है, अभी बता रही, ये जो वीडियो है ना, इस वीडियो को भी कितने लोग बोलेंगे यार ये कर रहा है, मतलब भाषण दे रहा बैठ के इस वीडियो के अंदर। भैया ये अंदर से आती है, देखो कोई मैं पेड प्रमोशन नहीं करता वीडियो लेके। आप जो यूट्यूब पे देखते हो ना कि डेली लोग 2-4 वीडियो डालते रहते हैं, उनका काम है पेड प्रमोशन करते हैं, उनका नंबर नहीं होता ना उसके अंदर।
वो तो सीधे आपकी वीडियो, किसी को आप पैसे दोगे, यूट्यूबर आएगा वीडियो शूट करके वो डाल देगा, जिस बंदे कंपनी का नंबर डाल देता है जी आप उनसे बात करो, उनको कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन मेरा जो होता है ना, जो वीडियो आप देख रहे हो, मेरी वीडियो देख रहे हो, इसमें मेरा नंबर होता है या मेरे ऑफिस स्टाफ का नंबर होता है। मैं बार बार बोलता हूँ कि हर एक वीडियो के एंड में 3578 होता है, 3578 वाला नंबर, ये मेरे ऑफिस स्टाफ का नंबर होता है या मेरा नंबर होता है। हम लोग कोई पेड प्रमोशन नहीं करते, तो इसलिए हम चाहते हैं कि हमारे पास वही बायर आए जो सच में प्रॉपर्टी लेना चाहते हैं, जो मतलब फ्रॉड जिनके साथ ना हो, जो मतलब जेन्युइन प्रॉपर्टी लेना चाहते हैं, वही हमारे पास आए और वीडियो देखें और मुझे कॉल करें, और वीडियो एंड तक देखने के बाद कॉल करें। और नंबर हम सिर्फ विजिट के लिए देते हैं कि किसी को अगर प्रॉपर्टी विजिट करना हो, प्रॉपर्टी देखना हो, वही लोग कॉल करें। छोटे मोटे इन्फॉर्मेशन के लिए आप मुझे व्हाट्सअप मैसेज कर सकते हैं। तो ये थी हमारे व्यूअर्स और कस्टमर के लिए। अब एक हिदायत मैं उनको देना चाहता हूं जो यूट्यूब के ऊपर पैसा लेके वीडियो बनाते हैं, जो पेड प्रमोशन करते हैं। देखिए, आप लोगों के हजारों फॉलोअर्स हैं, आप लोगों के लाखों फॉलोअर्स हैं, सब्सक्राइबर लाखों में सब्सक्राइबर है, आप लोगों को बहुत सारे लोग आपको अपना आइडल मानते हैं, आप जो बोलते हो उस चीज़ को वो सच मानते हैं। लेकिन ऐसा नहीं है, यूट्यूब के अंदर बहुत सारी झूठ चलती है, बहुत सारा फेक चल रहा है आजकल यूट्यूब के ऊपर। जो आप देखते हो ना डेली, लोग कभी दुकान का, कभी मकान का, कभी किसी चीज़ की भी उठा के वीडियो डाल देते हैं, वो सब के सब पेड प्रमोशन होते हैं। उनका कोई मतलब नहीं होता है आपका कहीं पैसा डूब जाए या कहीं आप बर्बाद हो जाओ या कुछ भी हो जाओ, उनका कोई मतलब नहीं। वो तो भैया जाते हैं, शूट करते हैं, पैसा लेते हैं, साइड हो जाएंगे, उस कंपनी का नंबर होगा, कल को अगर कुछ भी फ्रॉड होगा तो उस चैनल की जिम्मेवारी कुछ नहीं होती। यहाँ यार कम से कम मेरा अपना ऑफिस है, मेरी अपनी खुद की कंपनी है, मेरा पर्सनल चैनल है, मैं किसी से पैसा लेके वीडियो नहीं बनाता ना, कि लोग आपके साथ नहीं है। तो और एक हिदायत जो मैं पहले बता रहा हूँ भैया, जितने भी अगर आप वीडियो बना रहे हो ना, आपके आपके भरोसे जो आप एक वर्ड बोलते हो ना कि यहाँ प्रॉपर्टी ले लो, उस वर्ड के ऊपर लोग जाके प्रॉपर्टी लेते हैं। लेकिन गलत चीज़ मत प्रमोट किया करो, गलत चीज़ मत दिखाया करो, जो जेन्युइन प्रॉपर्टी है वही दिखाया करो, आप लीगल डॉक्यूमेंट दिखाया करो, जैसा प्लॉट है, जैसी मतलब प्रोजेक्ट है ना, आप जेन्युइन दिखाओ यार। मैं अभी यूट्यूब पर देखो, मैं हर एक वीडियो देखता हूँ यूट्यूब के ऊपर, किसी की वीडियो नहीं छोड़ता, लेकिन जब देखता हूँ ना, मैं देखता हूँ यार कितने लोग यहाँ झूठ बोल के इस चीज़ को बेच रहे हैं। अभी कुछ दिन मैं नहीं नाम लेना चाहता किसी कंपनी का, मैं नहीं चाहता यार किसी की बदनामी करूं, किसी यूट्यूबर का नाम लूं, लेकिन अगर ये लोग नहीं सुधरे ना, मैं यूट्यूबर का नाम लेना स्टार्ट कर दूंगा अपनी वीडियो के अंदर, कि कौन कौन से यूट्यूबर हैं जो पेड प्रमोशन करते हैं, कौन कौन से यूट्यूबर हैं जो पैसा लेके वीडियो बनाते हैं और गलत इन्फॉर्मेशन देते हैं, और कहां गलत इन्फॉर्मेशन दिया ना वो प्रूफ करूंगा उनकी वीडियो में जाके, उनकी वीडियो चला के क्लिप दिखाऊंगा कि ये वीडियो यहां की नहीं है और इसने यहां की दिखाया है। तो संभल जाओ, ये लास्ट बार बोल रहा हूं मैं, बहुत मेहनत की पैसा होती है। आप लोग अपने थोड़े से पैसे के लिए किसी गरीब का, किसी मिडिल क्लास फैमिली का आप लोग पैसा बर्बाद कर देते हो, कि आपको थोड़ा सा पैसा मिल जाता है, वीडियो ले देख के पेड़ प्रमोशन करके चल देते हो वहां से उठ के, उसके बाद उस कस्टमर के साथ क्या होता है, क्या धोखा होता है, कुछ आपको पता है? मेरे पास भी बहुत सारे ऑफर आते हैं यार कि सर आप पेड़ प्रमोशन कर लो, हमसे पैसा लेके वीडियो बना लो, लेकिन मैंने नहीं करता। हाँ, जिनका प्रोजेक्ट अच्छा लगता है मुझे, जिनका प्रॉपर्टी अच्छी लगती है, लीगल डॉक्यूमेंट चेक करके, कंपनी कैसी है, बैकग्राउंड चेक करके, तब मैं उनके साथ काम करता हूँ मैं। और जिस दिन लगता है कि मुझे, जब उनको कुछ, जहाँ भी मुझे मालूम चला कि हाँ यार कंपनी के अंदर कुछ झोलझाल चल रहा है, वहाँ से उनका काम छोड़ देता हूँ मैं, नहीं करता उनके साथ में काम। और जो चीज़ अच्छा लगता है मैं उस पर कंटिन्यू करता रहता हूँ मैं। तो ये खासकर जो पेड प्रमोशन यूट्यूबर है भैया, आप लोग दूर रहे उनसे, उनके चक्कर में मत पड़ो, वो तो पैसा लेके वीडियो बना के निकल जाएगा, आपका पैसा फंसेगा। कुछ दिन में अभी वीडियो देख रहा हूँ यूट्यूब पे, क्या आ रहा है कि किसी अदर अदर प्रोजेक्ट का सीवर दिखा रहे हैं। हमारे पास क्लाइंट है, मैंने भी उस प्रोजेक्ट को बेचा है, मेरे पास उसके लिए फोन आते हैं कि सर आपने तो उस प्रोजेक्ट के अंदर आपने रोड और सीवर दिखाया नहीं, किसी और वीडियो के अंदर उसमें रोड और सीवर दिखाया जा रहा है। अब बताओ, या तो झूठा मैं हो गया ना यहाँ पे, या जो और भी लोग वहाँ पे वीडियो बनाया जिन्होंने रोड सीवर नहीं दिखाया, सारे झूठे हो गए सिर्फ एक उस वीडियो के चक्कर में। लेकिन जब वो बंदा प्रेजेंट में वहाँ जाओगे, वहाँ पे ना रोड है ना सीवर है। मैं हमेशा कोशिश करता हूँ कि जो जेन्युइन प्रॉपर्टी होती है, जैसी प्रॉपर्टी, अगर खाली प्लॉट होगा मैं प्लॉट दिखाऊंगा, जो जो उसके अंदर चीज़ होता मैं वही चीज़ हमेशा दिखाता हूँ कि प्रेजेंट टाइम में यही यहाँ पे अवेलेबल है, ताकि आपको कल अगर विजिट करो तो वही चीज़ आपको देखने के लिए मिले। मान के चलो अगर मैं उसमें सीवर दिखा दूंगा कि जी सीवर है यहाँ पे, आप कल विजिट करोगे, जब आपको सीवर नहीं मिलेगा तो क्या होगा? आप यही कहोगे ना यार तुम लोग गलत इन्फॉर्मेशन देते हो, गलत जानकारी देकर बुलाया जा रहा है ना। तो ऐसे लोगों से दूर रहा करें आप लोग, चाहे वो पेड प्रमोशन वाले हो या कस्टमर, दोनों आप जो है जल्दी किसी के ऊपर ट्रस्ट ना करें, मैं पहले बता रहा हूँ मैं। और जो पेड प्रमोशन करते हैं उनसे भी विनती है भाई, सही इन्फॉर्मेशन दो, भगवान आपको तरक्की दे रहा है तो उस तरक्की को आप सही जगह यूज़ करो, अपने दो पैसे के चक्कर में आप किसी गलत या किसी गरीब आदमी का पैसा ना फंसाओ। तो ये मेरा दो ही चीज़ आज जो था इस वीडियो बनाने का, मेरा यही थोड़ा मकसद था कि पहला कि मेरी वीडियो देख रहे तो लास्ट तक जरूर देख के, और उसके बाद विजिट करने के लिए सिर्फ हम मोबाइल नंबर डालते हैं कि आपको विजिट करना हो तो आप मुझसे इंक्वायरी कर सकते हैं, या कोई दूसरा इंक्वायरी हो तो वो भी आप पूछ सकते हैं। अदरवाइज आप अगर मैं, हम लोग होते हैं कि यार एक कमेंट आता है कि सर आप फोन नहीं उठाते हो,
भैया देखो हम लोग बिजी होते हैं इसलिए फोन नहीं उठाते हैं। अगर बिजी हम लोग हैं, अगर आपका फोन पिक नहीं हो रहा है, तो आप हमें व्हाट्सअप मैसेज कर दिया करो ना। जितने भी आपको मेरे वीडियो स्क्रीन पर नंबर दिख रहा हो या डिस्क्रिप्शन में जो नंबर होता है, सब पे हमारा व्हाट्सअप चालू होता है, आप उस पर अपना व्हाट्सअप मैसेज जरूर कर दिया करें, वहां से आपको रिप्लाई जरूर मिल जाएगा। ठीक है, तो हो सकता है ये वीडियो देखो, ये तो नहीं कहूंगा आप लाइक करो, क्योंकि मुझे पता है इस वीडियो से बहुत लोगों की आग लगने वाली है, लग चुकी होगी अभी तक। ठीक है ना, तो अगर लग चुकी है तो डिसलाइक कर देना, अगर अच्छी लगी हो वीडियो तो लाइक कर देना, चैनल सब्सक्राइब करें मन तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, बाकी आपकी मर्जी है जी। चलिए मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब सब भाई को जय हिंद, राम राम।